नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसएमजेड न्यूज इंडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के सीएम चेहरे को लेकर सामने आ रही है। बता दें कि लगातार सस्पेंस बरकरार था, शिवसेना गुट और बीजेपी के बीच में झगड़ा चल रहा था, जंग छिड़ी हुई थी कि आखिर सीएम का चेहरा कौन होगा। और इस बात को लेकर अब एकनाथ शिंदे ने चुप्पी तोड़ी है। बता दें कि सस्पेंस को खत्म कर दिया है, एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दिया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही खुले दिल का नेता हूं, मैं छोटी सोच नहीं रखता, मैं जनता के लिए काम करने वाला नेता हूं, इसलिए बीजेपी से जो भी सीएम चेहरा होगा मुझे मंजूर होगा। महाराष्ट्र में अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था उसे अब कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने खत्म कर दिया है। एकनाथ शिंदे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं खुले दिल का इंसान हूं, छोटी सोच नहीं रखता, मैं जनता के लिए काम करने वाला नेता हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी से जो भी सीएम होगा हम उसे समर्थन देंगे। एकनाथ शिंदे ने कहा कि पीएम मोदी ने कल मुझे फोन किया था, मैंने उनसे कहा कि नई सरकार बनाने में मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं खड़ी होगी, मेरे मन में सीएम पद की लालसा नहीं है, आप अपना निर्णय देखिए, महायुति और एनडीए की प्रमुख मिलकर जो निर्णय लेंगे वो मुझे मान्य होगा। मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा है कि मेरे बारे में मैं ज्यादा विचार न करते हुए महाराष्ट्र की जनता और राज्य का विचार करें। इसी के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सर्वप्रथम तुम्ही जरा शांत राहिला तर मी बोले। सर्व पत्रकारांचं मनापासून मी स्वागत करतो आणि निवडणुकीच्या निकालानंतर आपण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पहिल्यांदा भेटतोय, त्यामुळे मी सर्वप्रथम महाराष्ट्रातल्या तमाम मतदारांना जनतेला मनापासून धन्यवाद पुन्हा एकदा देतो आणि पुन्हा त्यांचे आभार मानतो। याचं कारण एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये हा जो काही विजय मिळालेला आहे ही लँडस्लाइड विक्ट्री आहे, अतिशय मोठा विजय आहे। गेल्या अनेक वर्षात आपण जर पाहिला तर पाहायला मिळाला नाही आणि तो ह्यावेळेस आपण पाहतोय, त्यामुळे जे काही अडीच वर्षामध्ये महायुतीने केलेलं जे काम आहे आणि महायुतीवर लोकांनी जो दाखवलेला विश्वास जो आहे, म्हणजे एकीकडे विकास कामं जी महाविकास आघाडीने थांबवलेली, ती महाविकास आघाडीने थांबवलेली कामं आम्ही पुढे नेली, आज त्याचे प्रतिबिंब आपण पाहतोय। अनेक प्रकल्प सुरू झाले, त्याच्या डीपमध्ये मी जात नाही। आणि दुसरीकडे कल्याणकारी योजना ज्या आहेत, विकास आणि कल्याणकारी योजनांची सांगड आम्ही घातली आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मला वाटतं हा विजय जो आहे हा जनतेचा विजय आहे। आणि आम्ही सगळ्यांनीच महायुतीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी या निवडणुकीमध्ये एवढं प्रचंड काम केलं, मला तर आठवतं आहे मी पहाटेपर्यंत काम करायचो, पुन्हा थोडे 2-3 तास झोप घेतल्यानंतर पुन्हा माझी सभा असायची, असे हे चक्र जे आहे हे सत्र पूर्ण निवडणुकीवर चाललं।